नमस्कार दोस्तों सुप्रभात कैसे हैं आप लोग मैं आप सभी का दोस्त और होस्त प्यूशर आप सभी का स्वागत करता हूं सुबह की शानदार जानदार क्लास में जिसमें हम लोग दोस्तों हंड्रेड परसेंट प्योर शुद्ध करंट अफेयर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं और दोस्तों सबसे ज्यादा अटेम्प्ट भी लाते हैं दोस्तों जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उस करंट अफेयर से रिलेटेड कोई पुरानी बात तो वो यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा एक एक चीज जो मुझे याद आती है अपने अनुभव के आधार पे वो मैं आप लोगों को बताता हूं रिसर्च बेस्ड कंटेंट कोई भी करंट अफेयर छूटने नहीं देता हूं। दोस्तों छोटी से छोटी से से बड़ी बड़ी न्यूज न्यूज हर कवर होती है क्योंकि एग्जामिनर अक्सर ऐसा भी कर रहा है आजकल कि जो आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो या जो बड़ी न्यूज है वो ना के कोई छोटी न्यूज दे दे रहा है या किसी बड़ी न्यूज का कोई छोटा पॉइंट दे दे रहा है तो डिटेल में भी होती है चीजें पी का पूरा कॉलम होता है दोस्तों पीआईबी का पूरा कॉलम जो है यहाँ पे कवर किया जाता है द हिंदू न्यूज़ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है वो देखी जाती है न्यूज़पेपर से जैसे आज संडे मंडे दोनों का देखा गया कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो दोस्तों जो है वो आप लोग को पाँच बजे जो न्यूज़ आता है वो भी साढ़े छः बजे आपको मिल जाता है इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर की क्लास है जो रोज़ सुबह साढ़े बजे होती है बैंकिंग फाउंडेशन बैच में दोस्तों मैं आप लोग को सारे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं एक एक सिस्टम के बारे में बता रहा हूं इस समय पेमेंट सिस्टम्स के बारे में मैं आप लोगों को पूरी ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं जो कि किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी दोस्तों इसके बाद सिक्स मंथ करंट अफेयर की क्लास हो रही है रात को नौ बजे जो हर एग्जाम जो भी आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके बारे में उसके बाद बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी मैं लेता रहता हूँ पेटीएम इशू बजट इंटरव्यू इन सब पे मैंने क्लासेस ली हुई हैं दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से ठीक है एमसीक्यू सेशन को फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए छियानबे करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए कितने स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम 5G तक की जो है 4G तक की जो है दोस्तों स्पेक्ट्रम की नीलामिया आपने पिछले कई सालों में घोटाले भी देखे थे 2G स्पेक्ट्रम के तो दोस्तों ये तो वर्ल्ड अब हम लोगों के लिए फेमस हो चुका है तो यहाँ पे कैबिनेट ने दोस्तों जो है अप्रूव किया है आठ स्पेक्ट्रम की नीलामियों के लिए आठ बैंड के स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की दोस्तों नीलामी को यहां पर अप्रूव किया गया कैबिनेट का मतलब दोस्तों जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको लेकर के प्रधानमंत्री एक मीटिंग करता है जिसमें देश के महत्वपूर्ण फैसलों को अप्रूव करता है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो कितने का भैया छियानबे हजार रुपए का करोड़ रुपए का दोस्तों ये नीलामी है ये बात ध्यान रखेगा मोबाइल के लिए है 800 सौ मेगा हार्स देखिए हर मेगा हार्स की तरंगों पे अलग अलग चीजें जो है नीलाम की जाएंगी ये इसको दी जाएगी वो उसको दी जाएगी तो 800 सौ मेगा हार्स नौ सौ मेगा हर्स अट्ठारह सौ मेगा हार्स इक्कीस सौ मेगा हार्स तेईस सौ मेगा हार्स पच्चीस सौ मेगा हार्स और तीन तैंतीस सौ मेगा हार्स और छब्बीस मेगा हार्स दोस्तों फ्रिक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी बीस साल की वैधता की अवधि के साथ दोस्तों ये नीलामी की जाएगी ठीक है तो दोस्तों बैठक के दौरान स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों और संचालन के लिए 700 मेगाहर्ट बैंड ब्रांड में एनसीआरटीसी जैसी रेल आधारित शहरी और क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं के प्रस्ताव को भी यहां पर दोस्तों अप्रूवल दिया गया है दोस्तों टाटा ट्रस्ट ने किस शहर में पालतू जानवरों के जीवन को बना बचाने और पालतू माता पिता और पशु चिकित्सकों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए भारत का पहला क्या चीज दोस्तों भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल लॉन्च किया क्या किया है मेरे दोस्त लघु पशु अस्पताल को लॉन्च किया है ठीक है तो ये यहां पे मुंबई में किया गया अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल को मुंबई में दोस्तों लॉन्च किया गया ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया हाँ। तो महालक्ष्मी मुंबई में अस्पताल दोस्तों पांच मंजिल का है चौबीस घंटे सेवाएं देने वाला यह अस्पताल है उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में गंगा तीरी गाय की नस्लों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है तो दोस्तों जो है ये कहाँ पर स्थापित कर करने जा रही है वाराणसी में दोस्तों जो है 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 इसने किया है. ओके क्लियर है? बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि भी है कल मैंने वहाँ की पावन धरा पर जो है दर्शन किया उस जन्म स्थान का उस मिट्टी को दोस्तों जो है सिर पे लगाया जहां पे प्रभु ने जन्म लिया था कल मैं मुझे वहां पहुंचने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और राम जी ने बुला लिया ये भी जो है एक बहुत बड़ा सौभाग्य की जो है सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता पापनाशम समुद्र तट जिसे हाल ही में खपरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों ये जो है केरल में स्थित है केरल में स्थित है इसकी फोटोग्राफ्स भी मैं भेजूंगा तुम लोग को अयोध्या में वैसे तो फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होती है अंदर लेकिन अंदर का जो कमांडो थे जो गर्भगृह में जो सिक्योरिटी में थे वो मेरा फ़ोन अपने पॉकेट में रख के जो है तो वो फ़ोन मुझे अंदर मिल गया तो फिर हम लोगों ने फोटो खींचे और वो फ़ोटो मैं भेजूंगा आज आप लोग को तो दोस्तों जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप वर्कला के पापनाशम बीच ने लोनली प्लेनेट की प्रसिद्ध गाइडबुक सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट दुनिया के सौ सबसे अविश्वसनीय समुद्र तटों में दुनिया के शीर्ष सौ समुद्र तटों में से पहला स्थान हासिल करके ये उपलब्धि हासिल की है दोस्तों केरल की राजधानी से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये समुद्र तट सड़क और रेल के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है भारतीय भूवैज्ञानिक भु, सर्वेक्षण द्वारा भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त यह समुद्र तट अब अरब सागर के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और अंतरराष्ट्रीय घरेलू दोनों पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में कार्य कर रहा है दोस्तों केरल की अगर हम लोग बात करें तो केरल के कोझिकोड़ को भी सिटी ऑफ लिटरेचर चुना गया है ठीक है अभी केरल के कोचीन से ही लक्षद्वीप की ऑप्टिकल फाइबर जो है पूरी बिछाई जा रही है लक्षद्वीप को मालदीव का सब्सटीट्यूट बनाया जा रहा है लक्षद्वीप छत्तीस आइलैंड का है दोस्तों ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है तो ये बात याद रखिएगा कि अभी लक्षद्वीप के द्वीपों के नाम पूछ लिया था कि कौन सा इसमें से लक्षद्वीप का द्वीप नहीं है अगाती का नाम दिया था मिनी कॉय का नाम दिया था कदमत का नाम दिया था कावारत्ती का नाम दिया था और एक किसी और का नाम दिया था पूछा था कौन सा नहीं है दोस्तों अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड और कौन सी कंपनी भारत में छोटे उद्योगों और घरों में गैस की बिक्री को दुगनी करने के लिए चार सालों में पच्चीस अरब का निवेश करेगी पच्चीस अरब रुपए 301.24 बिलियन मिलियन डॉलर का जो है निवेश करेगी दोस्तों तो ये इंडियन ऑयल करेगी कौन करेगा मेरे दोस्त इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करेगी अडानी के साथ मिलकर के ठीक है तो यहां दोनों इंडियन कंपनियों का ही दोस्तों यहां पे टाइप हो रहा है ये भी जो है अच्छी बात है अडानी के तो हेड अड, गौतम अडानी ही है लेकिन इंडियन ऑयल जो है भारत की महारत्न कंपनी है दोस्तों और इसके हेड है श्रीकांत माधव वैद्य श्रीकांत माधव वैद्य दोस्तों ये एक ज्वाइंट वेंचर जो होगा ये अपने 300 सौ खुदरा दुकानों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 10 लाख मानक क्यूबी मीटर गैस बेचती है और चार साल में गैस की बिक्री को दुगना करना है दोस्तों और 600 से अधिक खुदरा दुकानों के लिए बुनियादी ढांचे को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी है दोस्तों आजकल भारत जीपीटी की बहुत चर्चा हो रही है जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर और दोस्तों चैट जीपीटी की वजह से अब भारत जीपीटी का भी एक अलग दौर एक अलग युग शुरू हो चुका है अंबानी ने खुलासा किया है कि रिलायंस जियो भारत जीपीटी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किस कैटेगरी के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है दोस्तों जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर सारी मोबाइल चल रही है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर सारे लैपटॉप चल रहे हैं सारे कंप्यूटर चल रहे हैं उसी तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों जो बन रहा है ये टेलीविजन के लिए बन रहा है किसके लिए बन रहा है भैया टेलीविजन के लिए बन रहा है और ये अंबानी कौन से हैं तो ये आकाश अंबानी है यानी जियो के हेड जो है वो मुकेश अंबानी नहीं है दोस्तों जियो के हेड कौन है आकाश अंबानी है उनके बड़े वाले बेटे ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर के इस पर काम कर रही है जियो ये बात भी ध्यान रखिए दोनों लोग का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है तो यहां पर ये भी याद रखना होगा इसे जियो 2.0 कहा जा रहा है इस इकोसिस्टम को क्या कहा जा रहा है जियो 2.0 कहा जा रहा है जिसमें टेलीविजन के लिए ये जीपीटी दोस्तों जो है डेवलप की जा रही है बहुत अच्छा हो जाएगा चैट जीपीटी का मजा अभी कंप्यूटर वाले मोबाइल वाले ले रहे हैं और अब जब इसका मज़ा टेलीविजन वाले लेंगे तो एक अलग ही युग की शुरुआत होगी भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है क्योंकि जनवरी 2024 में इंडियन एक्सचेंज पर जो लिस्टेड शेयर्स थे उनका जो मूल्य है वो चार तैतीस ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बन गया है यानी चार लाख तैंतीस हजार अमेरिकी डॉलर जो है चार लाख तैतीस हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर दोस्तों जो है तक पहुंच गया है इनमें से कौन सा उच्चतम इक्विटी बाजार वाले टॉप थ्री देश हैं टॉप तीन देश दोस्तों कौन कौन से हैं तो यहां पर जो है टॉप तीन देश वही हैं दोस्तों जो कि इकोनॉमी में भी टॉप है यानी कि अमेरिका चीन और जापान अमेरिका चीन और जापान ठीक है और दोस्तों अगर इकोनॉमी में हम पांचवें नंबर पे हैं वहां पे फिर पांच चौथे पे कौन है वहां पे इन तीनों के बाद चौथे पे जर्मनी है जीडीपी के आधार पे हम पांचवें पे शेयर बाजार में हम चौथे पे फिनटेक यूनिकॉर्न में दोस्तों फिनटेक इकोसिस्टम में फिनटेक कंपनियों में हम तीसरे नंबर पे हैं और वहां पे न तो चाइना है न तो जापान है न तो जर्मनी है अमेरिका पहले पे है दूसरे पे यूके है दोस्तों फिनटेक वाले में इस बात को भी याद रखिएगा यहां पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ठीक है क्योंकि कहा जाता है कि प्यूसर जो न्यूज लिख के लाते हैं वो तो ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन जो एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी वो बता रहे हैं तो ये वाली बात जरूर लिख लीजिएगा यहां पे झोल है क्योंकि यहां पे टॉप में यूके आ गया है इसलिए आपको मैंने बता दिया कि फिनटेक वाले में भारत तीसरे नंबर पे है ठीक है उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि आर्मी के आधार पे यानी सुपर पावर के आधार पे हम चौथे नंबर पे वहां पे अमेरिका है फिर रशिया है वहां पे टॉप फोर में जो है रशिया मिल जाएगा तुमको फिर चाइना फिर इंडिया मिल जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए तो वहां पे आर्मी वाले में सुपर पावर वाले मिलिट्री पावर वाले में फिर रशिया आ जाता है टॉप में ओके क्लियर चलिए बहुत बढ़िया शानदार एवॉर्ड एंड ऑनर्स के रूप में आते हैं दोस्तों अच्छा यह भी याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव हो गया सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट हो गया है वो। है वो वो टॉप पे दोस्तों पूर्व पीबी पूर्व पीएम नरसिंहा राव जी चौधरी चरण सिंह जी को और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा इसलिए रोज इसको रिवाइज करते रहिए ठीक है, है जैसे कि दोस्तों उनचासवां जो है दिया गया किसको दिया गया करपुरी ठाकुर जी को ठीक है पचासवा किसको दिया गया एल के अडवाणी जी को दिया गया एल के अडवाणी जी को दिया गया ठीक है तो ये बात याद अब जो है कितनी संख्या हो गई प्लस तीन हो गई यानी कि तिरपन जो है दोस्तों जो है यहां पर टोटल भारत रत्न दिए जा चुके हैं पहला अवार्ड फंक्शन चाहे फिल्म फेयर अवार्ड का हो चाहे पद्म भूषण हो पद्म विभूषण हो पद्मश्री हो या भारत रत्न उन्नीस से ही शुरू हुए हैं सबके सब, सब अवार्ड भारत रत्न जो पहला अवार्ड है वो मिला था सरपल्ली राधा कृष्णन को सीवी रमन साहब को सी, सी राजगोपालाचारी को तीन लोगों को मिला था उन्नीस में चार लोगों को मिल चुका है अब की बार हाइएस्ट उन्नीस का भी रिकॉर्ड टूट गया जिसमें कि पांच लोगों को दिया गया है जिसमें कि पांच लोगों को दिया गया और पिछले देखा जाए तो 2019 के बाद से दिया भी नहीं गया था 2019 में दिया गया था प्रणब मुखर्जी जी को नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को ठीक है 2015 में अटल जी को और महामना को और 2014 में सचिन तेंदुलकर को दोस्तों नरसिंहा राव जी उन्नीस से 96 तक प्रधानमंत्री रहे 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है इन्होंने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उनको आजादी दी पूरे जो करना करो चेंज करो हमें देश को आगे बढ़ाना इसके अलावा अगर बात करें श्रमिकों और किसानों के अधिकारों के समर्थक चौधरी श्री चौधरी चरण सिंह जी ने 1979 में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का भी मुंह नहीं देखा बहुत अल्प समय में क्योंकि अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया पदों के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को तो पिछले साल से ही पढ़ रहे जब इनका निधन हुआ ये भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहे जाते हैं प्रधानमंत्री ने पहले यह भी घोषणा की थी कि बिहार के पूर्व सीएम जो दो बार सीएम रह चुके हैं बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा ठीक है अब भारत रत्न के विषय में दोस्तों बात कर ले जो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ओके जो भी मानव प्रयास के लिए असाधारण योगदान देते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है दोस्तों ठीक है प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं और किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है इसमें दोस्तों मिलता क्या क्या है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से छह तारीख को यूनाइटेड इंश्योरेंस में इसमें एक प्रमाण पत्र मिलता है एक पदक मिलता है जो कि तांबे के पीतल के पत्तों के आकार का होता है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके इसके बाद इसको कोई मौद्रिक अनुदान नहीं मिलता यानी कोई प्राइस नहीं मिलता है जीरो रुपए दोस्तों जीरो रुपए जीरो रुपए यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूनाइटेड इंश्योरेंस में कि कितना रुपए मिलता है तो कोई भी नहीं मिलता सम्मान बहुत बड़ा जो है मिलता है दोस्तों ये याद रखिएगा ठीक है दोस्तों सोते हुए ध्रुवी भालू की शानदार तस्वीर आइस बेड ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड जीता है आइस बेड टाइटल वाला चित्र किस फोटोग्राफर द्वारा किया गया था दोस्तों इतना ठंडा समुद्र उसके ऊपर ये आइस और उसके ऊपर ये जो है आइस का जो है टीला उसके ऊपर ये एक भालू सोया हुआ है एक भालू सोया हुआ है दोस्तों पोलर बियर और भाई साहब कितना सुंदर जो है सीन है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक नमूना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उसे कहते हैं दोस्तों कि भाई कोई जंगल का जो जीवन चल रहा है उसकी कोई अद्भुत प्रस्तुत कर दीजिए मजा आ जाए तो कैसे वो जानवरों का जीवन है वो मजा आ जाए एकदम वाइल्ड लाइफ देख के तो दोस्तों नीमा सरीखानी जी ने ये अवार्ड जीता है किसने जीता है नीमा सरीखानी जी ने इस आइस बेड वाली जो है फोटोग्राफ की वजह से फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड जीता है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों मैं रोज भारत रत्न पे अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो क्या आप लोग उसको जान रहे हो चलो इसका आंसर दो सब लोग ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आप लोग जो है आंसर दीजिए कि कौन सा कथन सही है पीबी नरसिंहा राव जिनका पूरा नाम है पामूला पार्टी वेंकट नरसिंहा राव ने 21 जून उन्नीस से 16 मई उन्नीस तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जिनको डेड बॉडी को कांग्रेस ने घुसने नहीं दिया अपने कार्यालय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री क्योंकि इनके नाम के आगे गांधी या नेहरू नहीं लगा हुआ था चौधरी चरण सिंह जी ने भारत के दसवें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और तीसरा है डॉक्टर स्वामीनाथन को उन्नीस में वर्ल्ड फूड प्राइज फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज फर्स्ट वर्ल्ड फूड, फूड प्राइज याद रखिएगा दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों तो यहां गलत क्या है यहां गलत यह है कि भैया जब चौधरी चरण सिंह जी पहले पीबी नरसिंह राव के पहले ही प्रधानमंत्री हो गए थे तो फिर ये दसवें कैसे हैं तब तो ये छठवें होने चाहिए और ये जो है दसवें होने चाहिए यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट गलत है कि छठवें जो है वो कौन है चौधरी चरण सिंह जी हैं दसवे कौन है वो दोस्तों जो है पी वी राव है यहां पे कौन से नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं ये आपको याद रखना होगा ठीक है बात समझ में आ रही है स्वामीनाथन जी हमारे देश के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं पूरी दुनिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है दोस्तों तो वो जो है आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं ये बात भी याद रखिएगा ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया यह आंध्र प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं पीवी नरसिंह राव ठीक है नाइनटीन सेवेंटी नाइन में अट्ठाईस जुलाई को दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे और मात्र 170 जो है दिन जो है उन्हें वो रहे और उनको ये छोड़ना पड़ा 170 दिन जो है ये रहे। ये रहे ने उम्र लिख दिया है 170 वर्ष की उम्र किसकी होती है <laughs> तो ये बात याद रखिएगा आप लोग को लग रहा होगा लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों जरूर बनेगा ठीक है उन्होंने चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की थी और ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड भी थे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर दोस्तों फिलीपींस मनीला पेसो फिलीपींस मनीला पेशो उसका साउथ एशिया रीजन का सेंटर कहां पे है तो वो वाराणसी में है दोस्तों राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब चावल अनुसंधान भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे है तो वो उड़ीसा के कटक में है दोस्तों जहां इस बार राइस कांग्रेस का प्रोग्राम भी हुआ था ठीक है बात समझ में आ रही है ओके चलिए बहुत अच्छा दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तीन साल की अवधि के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों अभी बैंकिंग फाउंडेशन बैच में दो दिन से मैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर ही चर्चा कर रहा हूं और आज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर ही चर्चा आज भी करूंगा आज तीसरा दिन है और ये किसी किताब में किसी बुक में नहीं मिलेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आ रहे क्योंकि दो में इसकी स्थापना के बाद से जो भी डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ वो इसी ने किया है मैं अक्सर आपसे बोलता हूं कि अगर एग्जाम में पूछे कि कुछ भी डिजिटल रिवॉल्यूशन के बारे में पेमेंट रिवॉल्यूशन के बारे में तो आप तुक्का मार के आओ डेवलपीसीड बाई आरबीआई मतलब तीन चीजों को मैंने कहा है, बस छोड़ देना NFT, RTGS, क्योंकि वो पहले आ गया था 2008 के पहले ही आ गया था इसकी स्थापना के पहले और एक आरबीआई की जो भी डिजिटल करेंसी आई है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई e रुपया उसको छोड़ दो बाकी सब पे कुछ भी पूछे एनपीसीआई तुक्का मार के आ जाओ टिक मार के आ जाओ बस सिंपल सी बात है दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं जैसे जैसे यूपीआई आई एम पी एस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एन एस सी एच एन एफ एस चेक ट्रांकेशन सिस्टम भारत का स्वदेशी कार्ड रुपए कार्ड भीम ऐप जो भी आप सोच सकते हैं दोस्तों सब इसी के देने जो टोल से पैसा कट जा रहा फास्टैग वाला इसी के देने जो वन वन नेशन वन कार्ड आया है इंडिया का पहला ट्रांसिट कार्ड एस ने लॉन्च किया था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी की देन है तो दोस्तों जो भी आज नया डिजिटल रिवोल्यूशन आप देख रहे हो वो सब इसी की देन है चाहे यू पी आई लाइट हो ऑफलाइन पेमेंट हो चाहे यू पी आई वन टू थ्री पे ऐप हो कुछ भी हो सब इसी की देन है दोस्तों इसके सीईओ कौन है दोस्तों इसके सीईओ है दिलीप आसबे साहब ठीक है मुंबई में हेडक्वार्टर है आरबीआई और आईबीए ने मिलकर शुरू किया था किसने शुरू किया था दोस्तों आरबीआई और आईबीए ने मिलकर शुरू किया था दोस्तों श्व मोहन महापात्रा इसके नॉन एक्सक्यूटिव चेयरमैन थे अब विश्वमोहन महापात्रा की जगह दोस्तों अजय कुमार चौ जो है चौधरी जो है यहां पे बन गए हैं ठीक है क्लियर है अच्छा यहां पे कुछ नाम भी दिख रहे हैं जैसा कि दीपक मोहती का नाम दिख रहा है ये जो है पी एफ आर डी ए के हेड है ओके रजनीश कुमार का नाम दिख रहा है जो एस के पूर्व चेयरमैन थे जिनकी एक बुक भी आई थी कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट ये एच इंडिया के शायद अभी जो है हेड बने है ना ओके अगर देखा जाए कि टबलेस पांडे ये कौन है तो ये भैया एल के चार एम में से एक है, है ना और सिद्धार्थ मोहती कौन है तो ये एल के चेयरमैन है इस समय एल के चेयरमैन यही है ओके क्लियर है चलिए तो भैया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अजय कुमार चौधरी को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है इन्होंने किसका स्थान लिया है विश्वमोहन महापात्रा का स्थान लिया है दोस्तों लेकिन अभी भी एनपीसीआई के हेड कौन है तो दिलीप आस्बे साहब है बैंकिंग फाउंडेशन बैच में मैंने 3 क्लास इसको दी है तो जरूर ये इंपॉर्टेंट होगा आज तीसरी क्लास इस पर होने जा रही है इतनी इंपॉर्टेंस मैंने केवल आरबीआई वाले चैप्टर को दिया था कि एक से ज्यादा क्लासेस जिसके लिए मैंने पढ़ाए थे आज तीसरी क्लास एनपीसीआई पे हो रही है यानी कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी से दोस्तों जो है क्वेश्चन बन रहे हैं ओके okay? चलिए बहुत बढ़िया इसके बाद दोस्तों जो है देखा जाए कि और कौन कौन से मेंबर हैं इसमें तो वेंकट रमन श्रीनिवासन श्री ऋषिकेश कृष्णन डी मंजूनाथ और पद्मिनी खरे क्रैकर एनपीसीआई में इस समय स्वतंत्र निदेशक हैं स्वतंत्र निदेशक का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है रिटेल पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों रिटेल का मतलब आम आदमी ठीक है और जितने भी सेटलमेंट हैं वो सारी जो है ये कर रहा है आज इस पर बात होगी रुपए कार्ड आई एम पी एस यूपीआई भीम एस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और भारत बिल पे जैसे जो है रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट सेवाएं दोस्तों ये कंपनी देती है अब अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के हालिया के नियुक्तियों को देखा जाए इधर बीच के अपॉइंटमेंट्स को देखा जाए दोस्तों तो आइए देखते हैं कि क्या हुए हैं अपॉइंटमेंट जैसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है अब यह भी क्वेश्चन पूछता है कितने साल के लिए बनाया गया कितने साल के लिए बनाया गया यह जरूर नोट कर लिया कीजिए अब आप लोग ठीक है ओके क्योंकि भाई हुए तो ये तो न्यूज बनेगी नहीं क्योंकि यही पहले भी थे फिर बन गए तो कितने साल का एक्सटेंशन मिला ऐसे क्वेश्चन पलट देता है फोन पे के दोस्तों इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन के सीईओ कौन बने रितेश पाई बने फोन पे के फोन पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो है यूपीआई इसी से होता है फोन पे से ये सिंगापुर से अपनी ऑफिस भी यहां पे जो है शिफ्ट कर चुका समीर निगम जी इसके हेड है ओके सेबी के एक्सक्यूटिव डायरेक्टर जी राम मोहन राव को दोस्तों बनाया गया तीन साल के लिए जी राम मोहन राव को बनाया गया ठीक है फेडरल रिजर्व बैंक जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे मुंबई में वैसे वहां न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक है उसके दोस्तों जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्लास सी डायरेक्टर एक भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया जाना भारतीयों के लिए सम्मान की बात है तो दोस्तों वो कौन बने हैं वो राजीव शाह बने हैं दोस्तों इसके बाद एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको कि हम लोग बैड बैंक के नाम से जानते हैं जो भारत के बैंकों के लोन डूब जाते हैं उनको टेकओवर करता है 500 करोड़ से ऊपर वाले लोन को उनको बेचने योग्य बनाता है उनको बेचता है और बैंकों को उनकी फंसी हुई संपत्तियों को बेच करके उनका पैसा उनको वापस करता है और बीच का प्रॉफिट कमाता है इस बेड बैंक के अभी जो सीईओ और एमडी बने वो पी संतोष बने हैं एन सुंदर की जगह पर और दोस्तों कोटेक महिंद्रा बैंक के हेड जो है वो इस समय अशोक वासवानी जी को अपॉइंट किया गया है नियुक्त किया गया है ये भी याद रखेंगे ओके क्लियर है अभी वैसे आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर नए नए बने हैं एस जानकी रमन जो एसबीआई में एमडी थे एसबीआई में भी चार एमडी होते आरबीआई में भी चार डिप्टी गवर्नर होते एस के चार एमडी में ये तो इधर आ गए तो उनकी जगह कौन एस का चौथा एमडी बन गया विनय तोनसे वो दो साल के लिए अपॉइंट हुए एस बी आई के चेयरमैन जो है जो है दिनेश कुमार खरा उनको भी एक साल का एक्सटेंशन मिला है ठीक है ओके फरवरी 2024 में एल म्यूचुअल फंड ने किसे अपने हेड के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है ठीक है तो दोस्तों जो सीईओ और एमडी होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएमडी कहते हैं दोस्तों ये जो है इसी को हेड कहा जाता है ठीक है यही यहां पे प्रमुख होता है दोस्तों अगर बैंक और इंश्योरेंस के जो भी हेड हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है तो एफएसआईबी नामक एक संस्था करती है बैंक और इंश्योरेंस की खैर यहां तो म्यूचुअल फंड कंपनी की बात हो रही है म्यूचुअल फंड कंपनी एलआईसी को तो रेगुलेट करेगी आईआरडीए लेकिन म्यूचुअल फंड बिजनेस को रेगुलेट आईआरडीए नहीं करेगी दोस्तों उसको रेगुलेट करती है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद रवि कुमार झा को दोस्तों एल म्यूचुअल फंड का हेड बनाया गया दोस्तों कई बार म्यूचुअल फंड न लिख करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी लिखता है कभी ए भी लिखे तो भी समझ जाओ कि ये किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात हो रही है जो हम लोगों से पैसे लेकर के हम ही लोग का पैसा शेयर बाजार में लगा के हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देती है और बीच में ब्रोकरेज चार्ज लेती है ठीक है ओके दोस्तों अरविंद अवध बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तो अहमद अवध बिन मुबारक को दोस्तों यहां पे यमन का प्रधानमंत्री बनाया गया ठीक है यमन पे बहुत अटैक होते हैं दोस्तों सऊदी अरबिया के द्वारा यमन के जो विद्रोही है ना ये भी आ, बहुत ज्यादा आतंक मचाए हुए हैं इस समय तो यमन में जो है यहां पर सक, जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है अभी पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है लेकिन वहां धांधली चल रही है दोस्तों क्योंकि सेना समर्थित नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत नहीं मिला हार गई है बल्कि जिन इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया था जिनके सिंबल भी छीन लिया था पीटीआई का वो दोस्तों जो तहरीके इंसाफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी है वो निर्दलीय लड़ गए उसके विधायक और वो सब जो है सांसद वो सब जीत गए तो एक अलग ही पाकिस्तान में माहौल चल रहा है त्रिशंकु विधानसभा हंग असेंबली किसी को बहुमत नहीं बहुमत के लोग कह रहे इमरान खान को मिल गया था लेकिन इन लोग ने रातों रात धांधली करी और सारी जो है बैलेट बदल दिए यमन की कैपिटल सना है दोस्तों रियाल यहाँ की करेंसी है और अहमद अवध बिन मुबारक जो है यहाँ के प्रधानमंत्री ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेड तो संजय अग्रवाल जी हैं लेकिन नॉन एक्सक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं एच आर खान बने दोस्तों एच आर खान एक बहुत बड़ा नाम है इस सेक्टर बहुत सारी कमेटी आपने एच आर खान की पढ़ी होगी बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड जो है देवदत्त चंद हैं लेकिन इसमें एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर कौन चुने गए संजय विनायक

वही जयपुर दोस्तों जहां वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल के नाम से भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम वेंकट चलम एच को किस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का हेड बनाया गया है दोस्तों वेंकट चलम एच को किसका हेड बनाया गया है तो टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बनाया गया ठीक है क्लियर है दोस्तों इंश्योरेंस में एफडीआई 74 परसेंट है पहले फोर्टी नाइन था उसके पहले दोस्तों जो है ट्वेंटी सिक्स परसेंट था ठीक है मल्होत्रा के कहने पे विदेशी कंपनियां भी भारत में आने लगी प्राइवेट प्लेयर्स आए इसमें शर्त यह थी कि भाई दोनों मिलकर के कोई नई प्राइवेट कंपनी खोलेंगे तो टाटा ने ए आई ए के साथ मिलकर खोला एस बी आई ने कार्डिफ के साथ मिलकर खोला बजाज ने एलियांस के साथ मिलकर खोला भारती ने एक्सा के साथ मिलकर खोला क्योंकि 100 परसेंट एफ नहीं है तो एक विदेशी और एक देशी को मिलना ही पड़ेगा ठीक है तो चाहे आईसीसी पुडेंशियल में देखो आईसी विदेशी है एच डी एफ सी स्टैंड में स्टैंडी है एच डी एफ इंडियन है तो ये चीज है दोस्तों आर एन मल्होत्रा कमेटी ने 1993 में नए प्राइवेट कंपनियों को हरी झंडी दी इसी आर एन मल्होत्रा कमेटी के कहने पर दोस्तों आई आर डी ए आई उन्नीस में एक्ट के हिसाब से 2000 में स्थापित हुई और वही सबको रेगुलेट करती है अगर इंश्योरेंस सेक्टर में हेड की बात करें तो हेड कौन है दोस्तों की रिक्रूटमेंट कौन करता है एफ एस आई बी करते फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बैंकों के हेड की भी रिक्रूटमेंट करती है इसका पुराना नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो था पहले केवल बैंकों के हेड की रिक्रूटमेंट करती थी अब जब इंश्योरेंस के हेड की भी अपॉइंटमेंट नियुक्ति यही करने लगी तो दोस्तों अब इसका नाम बदल के बैंक बोर्ड ब्यूरो से फिनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया गया ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत अच्छे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों अगर हम लोग जो है इधर रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक दोस्तों इसके हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो पी ए कुट्टी को दोस्तों किया गया है प्रवीण अच्युतन कुट्टी को दोस्तों किया गया डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के हेड कौन थे दोस्तों अभी तक मुरली नटराजन जी थे उनकी जगह पर नियुक्ति जो है पी ए कुट्टी जी की की गई है प्रवीण अच्युतन कुट्टी जी की गई है ओके क्लियर है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के जो एक्सिक्यूटिव uh, डायरेक्टर है वो जयदीप दत्ता रॉय चुने गए इंडियन नाम से जो भी बैंक शुरू होते हैं उनका हेडक्वार्टर चेन्नई में होता है इंडियन ओवरसीज बैंक चाहे आप आ, इंडियन ओवरसीज बैंक देख लो चाहे वो आप इंडियन बैंक देख लो ठीक है ओके चलिए इंडियन बैंक के हेड कौन है दोस्तों फटाफट बताइए ओल्जास बेक्टे नोव को किस देश का पीएम बनाया गया है ओलजुन ओलजास ओलजास को कजाकिस्तान का दोस्तों नया प्रधानमंत्री बनाया गया है ओके कजाकिस्तान के साथ हम लोग दोस्तों काजिंद नाम की एक्सरसाइज करते हैं इसकी जो करेंसी है उसका नाम है टेंगे और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है अस्ताना वैसे इसकी कैपिटल का नाम बीच में चेंज हुआ था एक सरकार आई थी उसने अपने पूर्वज जैसे मोदी जी ने अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री अटल जी के नाम से कैपिटल का नाम कर दें जैसे दिल्ली का नाम अटल नगर कर दें ऐसा ही कुछ कर दिया था तो अस्ताना का नाम दोस्तों जो है नूर सुल्तान कर दिया गया था तो बीच में आपने कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान पढ़ा होगा ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों अगर कुछ रिसेंट में प्राइम मिनिस्टरों की अगर हम लोग देखे कि कौन बना है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो बना है दोस्तों वो कॉमरोस के प्रधानमंत्री जो है चौथी बार बने हैं शेख हसीना बांग्लादेश वाली पांचवी बार बनी है भूटान के सेरिंग तोगबे जो है वो दूसरी बार बने ये सब अपने अब ये क्यों है क्योंकि अजली दोस्तों ये G20 के मेंबर जो अभी दिल्ली में इक्कीसवा मेंबर बना अफ्रीकन यूनियन उसके हेड भी है यहां कॉमरोस के हेड तो है ही अफ्रीकन यूनियन के भी हेड है जिसका हेडक्वार्टर इथियोपिया में है कि इथियोपिया की कैपिटल उसकी करेंसी बेरक ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वैसे अब्दुल फतेह अल सीसी जो बने वो दोस्तों जो है, वो भी तीसरी बार बने हैं यहां मलेशिया के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बने हैं ये बात भी याद रख क्योंकि मलेशिया भी हमारा वो बहुत ही नियरेस्ट मित्र है और आ, मालदीव वाले मोहम्मद मोजू को कैसे भूल सकते हो वो तो भैया इंडिया आउट कैंपेन करके जीते हैं है ना इसके बाद दोस्तों अगर एल सलवाडोर की बात करें जिसके प्रेसिडेंट नाइब बुकेले बने हैं एल सलवाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को अपनी वैधानिक मुद्रा चुना है बिटकॉइन को चुना है अपनी वैधानिक मुद्रा उसके बाद दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई हैं ताइवान के फॉक्सकॉन कंपनी के हेड को अभी हमने पद्म भूषण दिया है उनका नाम क्या है लिंग हुई करके कुछ नाम है है ना फॉक्सकॉन ने यहाँ एप्पल आईफोन बनाया यहाँ पे आ, अभी सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगा रहा है ताइवान की ही कंपनी है दोस्तों विस्ट्रॉन जिसको टाटा खरीद करके दुनिया की पहली कंपनी इंडियन कंपनी बन रही है जो एप्पल आईफोन बनाने वाली एप्पल आईफोन अब टाटा भी बनाएगी इसके लिए उसने विस्ट्रॉन कंपनी को ही खरीद लिया है जो ताइवान की ही कंपनी है दोस्तों झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों तो ये जो सीबू सोरेन जी के बेटे थे हेमंत सोरेन इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अब दोस्तों उनकी जगह पर चंपई सोरेन जो है वो बन गए हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री इनके पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो थे रघुबर दास जी वो भाजपा की तरफ से थे अब जाहिर सी बात है इनको ईडी ने किया तो ये तो ये भाजपा की तरफ से होंगे नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो रघुवर दास जी थे उनको अभी उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है ठीक है वो यहीं के मुख्यमंत्री रह चुके झारखंड की कैपिटल रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एयरपोर्ट भी है और रा, 15 नवंबर को सन 2000 में यह स्थापित हुई थी बिहार से अलग के उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे भी मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा का जो जयंती जयंती है जन्म जयंती है वो दोस्तों ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मोदी जी ने मनाना शुरू किया है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में दोस्तों मनाना शुरू किया भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय दोस्तों ने इनको गिरफ्तार कर लिया अभी केजरीवाल जी का भी नंबर है संजय सिंह जी मनीष सिसोदिया जी अंदर ही हैं प्रवर्तन निदेशालय के हेड कौन है दोस्तों इसमें भी बड़ा विवाद हुआ था एक व्यक्ति था संजय मिश्रा जो हट ही नहीं रहा था सरकार हटा ही नहीं रही थी तो कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो अभी जुलाई में आदेश आया कि हटाना ही पड़ेगा अब उनकी जगह पे कौन बने हैं ईडी के हेड ये आपका एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ओके okay. तो दोस्तों झारखंड के जो राज्यपाल है वो कौन है पी राधा कृष्णन पी राधा कृष्णन यहां के राज्यपाल हैं ये बात भी याद रखिएगा ठीक है अभी दोस्तों प्रधानमंत्री जनमन योजना आदिवासी ग्रुप के लिए ही लॉन्च किया गया है पीवीटीजी ग्रुप के लिए पार्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए जो कि कितनी है पीवीटीजी ग्रुप कितनी है भारत में यह भी बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी जनमन योजना वाला तो एक हफ्ते पहले ही क्वेश्चन पूछा है यूनाइटेड इंश्योरेंस में 6 फरवरी को कि जनमन योजना किसके लिए है किससे संबंधित है दोस्तों 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है 2028 में लॉस एंजलिस में और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और 2036 में हमने दावेदारी कर दी है भारत ने दो हजार पेर, पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए टॉर्च बियर देखिए मसाल जो है पूरी दुनिया में जो है जाती है ये बेटन तो ये जो मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है भारत में दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया जो 2008 में दोस्तों जो ओलंपिक हुई थी वो पहले इंडिविजुअल व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को लाके दिया था शूटिंग में शूटिंग में तो अभिनव बिंद्रा जी दोस्तों हमारे यहां से क्या होंगे आ, होंगे आ, मसाल वाहक होंगे नीरज चोपड़ा जी इंडिविजुअल लेके देने वाले एथलीट में है एथलीट में पहला गोल्ड देने वाले इंडिविजुअल ये है तो इंडिविजुअल क्यों क्योंकि भाई मेजर ध्यानचंद जी ने हमें 1928 का ओलंपिक 32 का ओलंपिक और 36 का ओलंपिक जितवाया ही था हॉकी ने हमें बहुत गोल्ड दिए हैं लेकिन वो टीम के रूप में होता है इंडिविजुअल के रूप में नहीं होता है ठीक है चलिए वेरी गुड दोस्तों पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं लेकिन इससे ज्यादा चर्चा लॉस एंजलिस ओलंपिक की है जो 2028 वाली ओलंपिक है जिसमें पांच खेलों को ऐड किया गया जिसमें क्रिकेट भी है क्रिकेट एक साल बाद ऐड होगा 1900 में हुआ था और 2028 में होगा क्रिकेट है बेसबॉल है सॉफ्ट बॉल है, है फ्लैग फुटबॉल है स्क्वैश भी ऐड हुआ है लेक्रोश भी ऐड हुआ है पांच गेम दोस्तों ऐड हुए हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था और बाबा पूछा जाएगा भी पूछा गया था तभी मैं बता रहा हूं वरना मैं उन चीजों को नहीं बताता हूं दोस्तों अभी इंटरनेशनल की कमेटी की 141वीं मीटिंग मुंबई में हुई थी ये बात भी आपको याद रखनी है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके okay. और उसकी मेंबर है नीता अंबानी उसके हेड है थॉमस बैश वो भी भारत आए थे जहां मोदी जी ने लगे हाथ 2036 के ओलंपिक मान ली मांग ली जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में कि भैया हमें जो है 2036 हज़ार के ओलंपिक चाहिए और दो का यूथ वाला जो होता है वो भी चाहिए ये दो चीज़ मांगी है अभी सी ओ पी ट्वेंटी एट में मुंबई में अरे मोदी जी गए थे वहाँ अबू धाबी में यू ए में वहाँ उन्होंने कह दिया कि भाई दो हज़ार अठाईस में जो सी ओ पी थर्टी थ्री होगा वो हम कराना चाहते हैं जी ट्वेंटी कराने के बाद मोदी जी का एकदम जो है हौसला बुलंद है दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम जो है शीतकालीन गेम का शुभंकर क्या है इसका मस्कट क्या है दोस्तों ये आपको बताना है तो खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये विंटर में ही होता है खेलो इंडिया विंटर गेम का जो आ, मस्कट है शीने शी है दोस्तों ठीक है ओके विंटर गेम अगर देखा जाए तो ये आ, वहां होता है अक्सर गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में होता है ठीक है खेलो इंडिया अगर योजना की बात करें दो में शुरू हुई थी 2019 से खेलो इंडिया गेम खेले जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम खेलो इंडिया विंटर गेम खेलो इंडिया वीमेंस लीग जिसका नाम अस्मिता रखा गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो इस बार यूपी में हुआ था खेलो इंडिया अभी पैरा गेम भी दोस्तों शुरू हुआ है इस साल से एक नया वर्जन सबका एम यही है कि हम ओलंपिक में मेडल ज्यादा से ज्यादा लाएं ओलंपिक में या कहीं भी मेडल लाने के लिए दोस्तों हम लोग जो टॉप योजना चलाते हैं कि जिसको भी छोटा मोटा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल मिला हुआ है उसको हम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पचास हजार रुपए का उस खिलाड़ियों को स्टाइफन देते हैं उनको अत्याधुनिक ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए विदेशी ट्रेनर की व्यवस्था की जाती है किसी भी चीज की कोताही उनके साथ नहीं बरती जाती है जो टॉप्स के जो है खिलाड़ी होते हैं और फिर उनका यही टारगेट होता है कि ओलंपिक में पोडियम पे पहुंचना है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इसका नाम है चाहे ब्रॉन्ज लेके आओ चाहे सिल्वर लेके आओ या गोल्ड लेके आओ।, ले आओ लेकिन लाना ही पड़ेगा आज इसी की वजह है कि हांगजाउ चाइना में जो एशियन गेम्स अभी हुआ तो एशियन गेम्स में पहली बार हम लोगों ने विदेश में सौ मेडल पार किए वैसे तो कॉमनवेल्थ गेम कर, में कर चुके हैं दो हजार में लेकिन वो दिल्ली में हुआ था तो, 107 मेडल हमने कॉमनवेल्थ यू अरे अभी जीते हैं एशियन गेम्स में हांगजाउ चाइना में और उसी में पैरा गेम हुआ उसमें 111 मेडल जीते तो दोनों में हमने 100-100 मेडल पार किया पहली बार ये अच्छा सिग्नल है ओलंपिक के लिए एक अच्छा सिग्नल है ठीक है तो दोस्तों ये उसका चौथा एडिशन जो है ए, हो रहा है ठीक है तो पहली बार दोस्तों ये लद्दाख में हो रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि अक्सर जो है गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में होता रहा है तीन बार तो वही हुआ है इसकी रिजॉर्ट में इस बार जगह चेंज किया जा रहा है और लद्दाख में किया जा रहा है ठीक है तो इसका जो शुभंकर है वो एक हिम तेंदुआ है जो कि लद्दाख का स्टेट वो भी है और शायद हिमाचल प्रदेश का भी है हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जब हमने चाइना में घुस के चाइना के लोगों को मारा था जब वो गालवान घाटी में हमारे महावीर जी को आ, उन्होंने दोस्तों जो है मारा था शहीद किया था और बहुत सारे बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए थे तो रात में हमने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड किया था हिम तेंदुए से याद आ गया गालवान घाटी ठीक है इसी लद्दाख में दोस्तों जो है हेल्ले में जो है चौंगथोंग में एक डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क वो भी लद्दाख में ही है ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों इस बार कहा होगा लद्दाख में दो जिले हैं एक लेह है और एक कारगिल है तो लेह में दोस्तों इसका आयोजन 21 से 25 फरवरी के बीच में होगा ओके दोस्तों आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद सभी डिपॉजिट और क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया है दोस्तों दोस्तों भारत में छह पेमेंट बैंक हैं एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक है पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते दो लाख तक के डिपॉजिट डिपोजिट करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट है, पेमेंट है, जीओ पेमेंट है. एक पेमेंट बैंक का नाम यहां नहीं लिखा है सौ करोड़ रुपए से शुरू होते है, है? और लोन नहीं दे सकते अभी जो दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग और केवासी नियमों का पालन नहीं एक एक पैन कार्ड पे हजारों अकाउंट इन्होंने खोल रखे थे तो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में आप कुछ भी पैसा जो है नहीं जमा कर सकते उन्तीस फरवरी के बाद से फास्टैग में आप कुछ नहीं जमा कर पाएंगे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में या वैलेट में कुछ भी नहीं जमा कर पाएंगे इस हां निकाल सकते हैं आप उन्तीस फरवरी के बाद कोई अगर मान लो कैशबैक आना है या जो है इंटरेस्ट आना है या रिफंड आना है तो वो जो है दोस्तों हो सकता किसका प्रयोग किया किस शक्ति का प्रयोग किया आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35 ए का की शक्ति का प्रयोग करके आरबीआई ने यह काम किया इसी एक्ट के, इसी के में दोस्तों बैंकिंग लोकपाल भी परिभाषित है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35 ए में ही बैंकिंग लोकपाल दोस्तों परिभाषित है इस बात को भी लिख लीजिएगा ठीक है ओके okay? क्लियर है इसके अलावा दोस्तों इनको जो है जितने भी नोडल खाते हैं जैसे कई बैंकों के साथ चल रहे होंगे कई चीजों के सिस्टम्स के साथ चल रहे होंगे कई सर्विसेज के साथ चल रहे होंगे यूपीआई के आईडी में बहुत सारे इनके एक जो है नोडल अकाउंट होंगे तो दोस्तों जो है इनको 15 मार्च तक खत्म करने का पूरा सेटल करने का एक आर ने अल्टीमेटम इनको दे दिया है कि भैया कस्टमर के लिए तो बोल दिया है कि उनतीस फरवरी के बाद से तुम कुछ जमा नहीं कर पाओगे निकाल सकते हो निकाल तो अभी भी सकते हो उनतीस फरवरी के बाद भी सकते हो निकाल लो इनको बोला सारा सेटलमेंट तुम पंद्रह मार्च तक खत्म कर दो यानी ये इस बैंक के खत्म होने की एक निशानी है एक आसार है कोई खुल के कह नहीं रहा है लेकिन यही होगा देखिएगा इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक का लेकिन इसकी कार्रवाई का कोई असर पेटीएम पर नहीं पड़ेगा बस शेयर गिर रहे हैं वरना पेटीएम पर पे कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हो रहा है जनवरी 2024 में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है दोस्तों जनवरी 2024 के पहले पखवाड़े की तुलना में क्रेडिट और जमा वृद्धि के बीच का अंतर सितंबर 2023 के आखिरी पखवाड़े की तुलना में बढ़ गया है जब जमा वृद्धि बाद वाले से आगे बनी हुई है वर्ष दस वर्ष बुनियादी बातों पर बारह जनवरी दो को क्रेडिट और जमा वृद्धि क्रमशः कितने परसेंट पर रही है तो दोस्तों इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा गूगल ट्रांसलेट इधर का उधर कर सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाई आर बी आई इन जनवरी दो हजार चौबीस द गैप बिटवीन क्रेडिट क्रेडिट मतलब क्या होता है दोस्तों लोन ये भी बताता चलू और डिपोजिट मतलब क्या होता है जमा तो जमा और लोन जमा मतलब आया लोन मतलब गया इसका जो ग्रोथ है दोस्तों फर्स्ट फोर नाइट फोर्थ नाइट ऑफ जनवरी हैज वाइडेंड द लास्ट फोर्टनाइट नाइट ऑफ सितंबर सितंबर के जो में जो देखा गया था उसकी तुलना में जो जनवरी में जो देखा जा रहा है ये गैप बढ़ गया है यानी कि लोन का और डिपॉजिट का गैप बढ़ गया है दोस्तों ये इनका कहना है और वो कितना है दोस्तों तो आइए पहले लिख लेते हैं तब तो समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कवि के कहने का मतलब है कि ये नाइन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट है और इसके बाद कह रहा है कि दूसरा वाला ट्वेल्व पॉइंट एट फोर परसेंट ठीक है ओके अब नाइन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट क्या है क्रेडिट ग्रोथ है, और क्या है? है। इसी गैप की बात कर रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ रहा है यानी यह गैप जो है दोस्तों बढ़ गया है यह बात इनका कहना है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त नाइन परसेंट है कि नाइनटीन परसेंट है यहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहां पे कुछ मैनुअल मिस प्रिंटिंग है दोस्तों ये उन्नीस परसेंट है इसीलिए ना यानी कि लोन ज्यादा दे रहे हो और डिपॉजिट कम आ रहा है लोन ज्यादा दे रहे हो डिपॉजिट कम आ रहा है ये गैप बढ़ा है ना गैप तो ये होना चाहिए ना कि मतलब जहाँ ज्यादा रहा है रिस्क में ज्यादा जा रही है बैंक तो ये मुझे लग रहा है वो मैनुअल मैनुअलिंट है 9 की जगह होना चाहिए दोस्तों तो फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बड़े पैमाने पर असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को और औपचारिक बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत छह हजार करोड़ रुपए की एक उप योजना को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी देखो आप बताओ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कौन सी सब स्कीम शुरू हुई है कौन सी सब स्कीम शुरू हुई है दोस्तों बताइए कौन सी सब स्कीम शुरू हुई है कौन सी उप योजना शुरू हुई है यह क्वेश्चन छह हजार करोड़ से शुरू हुई है बताइएगा मत्स्य संपदा योजना दोस्तों 2020 में शुरू की गई थी मछली पालन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस बार बजट में पांच एक्वाटिक पार्क भी बनाने की बात कही गई है ओके बात समझ में आ रही क्या जो है पांच एक्वाटिक जो है? आ, न, है नहीं हो रही अंसी अंसी जी पर भरपूर नींद लीजिए आप भरपूर नींद लीजिए ऐसा होता है कभी कभी है ना और जाड़े का समय चौनप्रास खाइए रिवाइटल भी आप जो है ले सकते हैं विटामिन और मिनरल की भी कमी हो सकती है दोस्तों तो ऐस ये सब जो है थोड़ा सा आप जो है अपने ऊपर सेहत पे ध्यान दीजिए बच्चा ठीक है तो दोस्तों इस जो उप योजना का जो है आ, क्या है उपयोजना का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो उपयोजना शुरू हुई किसान समृद्धि सहयोजना क्या नाम से शुरू हुई है किसान समृद्धि सहयोजना दोस्तों याद रखिएगा ठीक है, है क्लियर है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया इसमें दोस्तों वर्ल्ड बैंक से भी जो है लोन लिया जाएगा यह भी कहा गया था ठीक है तो मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च हुई थी 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई थी ब्लू रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं नीली क्रांति या ब्लू इकोनॉमी जो समुद्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है उसे कहते हैं ठीक है थीके? ओके क्लियर है चलिए दोस्तों अभी जो है ई समृद्धि पोर्टल भी एक बना था ई समृद्धि पोर्टल तूर के दालों के रख रखाव के लिए बनाया गया था सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था ठीक है दोस्तों केंद्र सरकार ने एक पोर्टल सारथी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य बीमा कंपनियों को किसान और ग्रामीण आबादी तक प्रोडक्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित सरकार के सब्सिडी वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट तक पहुंचने में मदद करना है ठीक है सारथी का फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों सारथी का जो फुल फॉर्म है वो है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस दोस्तों आखिर ये सैंडबॉक्स क्या होता है सैंडबॉक्स क्या होता है दोस्तों ये बताइए सैंडबॉक्स होता है कि रेगुलेटर जो होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है जो इसको पूरा विनियमित करता है वो आईआरडीए है जो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है देवासी पांडा हेड है 2000 में स्थापित हुई थी ये कुछ नए डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए कुछ कंपनियों को कुछ छूट देता है कि तुम ये करके देख लो अगर बढ़िया हुआ तो सबके ऊपर लागू कर देंगे इसी को सैंडबॉक्स कहते हैं ठीक है तो यहां पे दोस्तों बोला सारथी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी जिक्र यहां पे हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में डेढ़ प्रीमियम देना होता है रबी फसल वालों को खरीफ फसल वालों को दो परसेंट प्रीमियम देना होता है और पांच परसेंट प्रीमियम व्यापारिक कॉमर्शियल क्रॉप वालों को या हॉर्टिकल्चर फूल फल फूल बागवानी वालों को पांच परसेंट प्रीमियम देना होता है तो उनको इंश्योरेंस मिल जाता है ठीक है क्लियर है दोस्तों सारथी से याद आया ऐसे बहुत सारे सारथी नाम से पोर्टल हैं एक्सिस बैंक का है एच बैंक का है है ना कोई स्मार्ट सारथी एच बैंक ने लॉन्च कर दिया सारथी एक्सिस बैंक ने लॉन्च कर दिया अभी दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम मिनिस्टर जो है उन्होंने संचार सारथी लॉन्च किया था उसका ये पोर्टल का उद्देश्य था कि जो आपके खोए हुए मोबाइल है आपका मोबाइल खो जाता है आप क्या करते हो आप संचार साथी पोर्टल पे डाल दो आपका खोया हुआ मोबाइल ट्रैक करने लगेगी सरकार और आप भी ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन आपकी जो है कि कहाँ पे है मोबाइल आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो और बहुत सारे मोबाइल वापस आ गए इस संचार साथी पोर्टल की कामयाबी यही है बहुत सारे मोबाइलों का पता लग गया तो ये आप कर सकते हैं ये आपके हाथ में पावर दे दी गई है संचार साथी पोर्टल आपके एग्जाम में आया भी था तो दोस्तों याद रखिएगा ओके okay? दोस्तों इसके अलावा बीमा के क्षेत्र में दो चीजें जो है बहुत पूछी जा रही है बीमा वाहक क्या है और बीमा सुगम क्या है तो ये आप लोग का आज होमवर्क क्वेश्चन है कि बीमा वाहक क्या है और बीमा सुगम क्या है दोस्तों किस राज्य सरकार ने विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कल, कल्याणकारी योजना महतारी वंदन योजना शुरू की विवाहित महिलाओं को याद रखिए अविवाहित को महिला नहीं कहते हैं गर्ल कहते हैं लड़कियों को नहीं दिया जा रहा है महिलाओं को दिया जा रहा है जो महतारी बन सकती हैं या बन चुकी हैं है ना तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार जहां पे अभी शिड्यूल ट्राइब मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय दोस्तों जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है यहाँ नई नई भूपेश बघेल की जगह पर दोस्तों ये मुख्यमंत्री बन गए ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार और रमन सिंह जी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा के वो इस समय यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष बन गए और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बन गए ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए की वित्तीय सहायता यहाँ दी जाएगी बारह हजार रुपए दिए जाएंगे ओके क्लियर है विधवा तलाक सुखा तलाक सुधा इन लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा इसके अलावा दोस्तों जो तेंदुपत्ता जो संग्रहण करने वाले लोग हैं वहां पे गांव आदिवासी लोग जो जंगल में हैं उनके जो वेतन है उसको चार हजार रुपए से बढ़ा के पचपन सौ रुपए जो है यहाँ पे किया जा रहा है तेंदुपत्तों का उपयोग बीड़ी के आवरण के रूप में किया जाता है दोस्तों बीड़ी बनाने में यूज किया जाता है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं अरुण साव और विजय शर्मा यहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ठीक है विश्वमोहन हरी विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं और जैसा मैंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर रमन सिंह जी वो यहाँ के असेंबली के स्पीकर अभी नए नए बने क्योंकि अभी अभी नया नया चुनाव हुआ है नए नए लोग जीते हैं ठीक है रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना था लेकिन उनकी जगह विष्णुदेव साय को बनाया गया दोस्तों अब रिपोर्ट्स पे आते हैं लीड में दोस्तों जो है दुनिया के टॉप टेन देशों में जो है यूएस ग्रीन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत को क्या रैंकिंग दी गई है लीड में भारत की क्या रैंकिंग है दोस्तों लीड का मतलब क्या है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन जो इन्वायरमेंटल डिजाइन की बिल्डिंग्स बनती हैं जो पर्यावरण के लिए ग्रीन बिल्डिंग बनती हैं पर्यावरण को जो और अच्छा करती हैं ज्यादातर पे ऐसी बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग्स पे जिस पे सोलर पैनल भी लगे होते हैं दोस्तों तो इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है तीसरा स्थान लीड में भारत का जो है किस कौन सा स्थान है तीसरा स्थान है ये बात याद रखिएगा ओके अब तो यहाँ पे अमेरिका पहले पे नहीं है दोस्तों अमेरिका इस लिस्ट में नहीं है चाइना पहले पे है कनाडा दूसरे पे है और तीसरे पे हमारा प्यारा भारत है इसमें याद रखेंगे ओके क्लियर है चलिए बहुत अच्छा शो बहुत सुंदर लीड को दोस्तों ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों फरवरी 2024 में जो है भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजों में किस आई को टॉप स्थान दिया गया है तो दोस्तों हमारे यहाँ जो बेस्ट आई आई एम वो आई एम अहमदाबाद को ही माना जाता है आई एम अहमदाबाद से बढ़िया जो है आई तो कोई भी नहीं है ठीक है ओके चलिए बहुत अच्छा दोस्तों अब इसमें जो है आपको बताना है कौन सा पॉइंट गलत है मुकेश अंबानी को दोस्तों जो पहला रैंक मिला है इंडियंस में और दुनिया में दोस्तों दूसरा रैंक मिला है मुकेश अंबानी जी को इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे कर दिया भाई साहब मुकेश अंबानी जी का स्कोर है 81.6 वन पॉइंट सिक्स इस पे जो नंबर वन पे है वो है हुआ टेंग तो इसमें जो गलत क्या है कि इस ब्रांड गार्जियन इंडेक्स को दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं जारी करता है बल्कि ब्रांड फाइनेंस जारी करता है कौन जारी करता है ब्रांड फाइनेंस जारी करता है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हेड हैं मुकेश अंबानी जी उन्होंने सत्या नडेला सुंदर पिचाई टीम कुक एलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े लोगों को दोस्तों पीछे कर दिया एन चंद्रशेखरन अनिस शाह शाह जो महिंद्रा ग्रुप के हेड है वो फिक्की के भी हेड है ये भी याद रखिएगा तो इन सब को दोस्तों पीछे कर दिया है अब पहले स्थान पर पहुंच गए टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी बिजनेस ट्वेंटी के भी हेड थे इनको भी फ्रांस ने सम्मान भी दिया था ये पांचवी पोजीशन पे छठवीं पोजीशन पे है। इन्फोसिस के सलील पारिक जो हेड हैं वो सोलहवीं पोजीशन पे हैं दोस्तों ये भी याद रखिएगा ओके ओके चाइना में दोस्तों एक टेंसेंट कंपनी है टेंसेंट कंपनी के जो हुआ तेंग मा है वो पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे है ओके 81.6 स्कोर है हुआ तेंग मा का और मुकेश अंबानी का स्कोर है अस्सी दशमलव तीन और ये दूसरे नंबर पर बीजीआई स्कोर दोस्तों बुक्स एंड ऑथर पे आते हैं पुस्तक और लेखक में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी ये बुक किसने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन सिंह रावत जिनकी मृत्यु दोस्तों कन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में जो तीनों सेनाओं के हेड माने जाते हैं तीनों सेनाओं का हेड अभी तक कोई पोस्ट नहीं थी वो सी पोस्ट बनी पहली बार उस पर बिपिन सिंह रावत जी गए उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अब जो है अनिल चौहान जी सीडीएस हैं भारत के तीनों सेनाओं के हेड और दोस्तों इन्होंने ये बुक लिखी है और इस बार इंडियन आर्मी का जो ईयर है वो भी इसी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर ही इंडियन आर्मी इस बार मना रही है पंद्रह जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं हम लोग जिस दिन भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हुई थी करियप्पा साहब की ठीक है तो दोस्तों पुणे में जो है कलम और कवच जो है एक नेशनल डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था उसमें इस बुक का अनावरण जो है सी अनिल चौहान जी ने किया है ठीक है। की अगर बुक की बात करें दोस्तों तो एक समंदर मेरे अंदर ये संजीव जोशी जी की बुक है प्रणव माई फादर ये उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है द कुकिंग बुक्स लिखी है दोस्तों रामचंद्र गुहा ने और औरंगजेब के साथ बातचीत ये बुक लिखी है चारू निवेदिता ने दोस्तों किस मंत्री ने अप्रोमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया दोस्तों वैसे मोदी जी की खुद की भी बुक है जिस बुक का नाम है एग्जाम वॉरियर उसकी ब्रेल वर्जन भी लॉन्च हुई थी ब्रेल लिपि भी लॉन्च हुई थी दोस्तों ये देख सकते हैं इस बुक का अनावरण यहाँ किया जा रहा है और ये बुक जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि अमित शाह जी जिसके मंत्री हैं उस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको भी दोस्तों ब्रेल लिपि में भी लॉन्च किया गया है ठीक है नेशन ये जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी हुई बुक है दस वर्षों में नए भारत की इमारत के निर्माण के लिए इनके जो है पूरे जो है किस तरीके से नए भारत का निर्माण हो रहा है उसका पूरा यहाँ पे वर्णन है दोस्तों डिफेंस न्यूज पर आते हैं अगर हम लोग रक्षा के न्यूज पे तो भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को किस स्थान पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी तो दोस्तों वायु शक्ति 2024 अभ्यास जो है ये जैसलमेर राजस्थान में आयोजित की जाएगी कहां की जाएगी जो है जैसलमेर राजस्थान में आयोजित की जाएगी ठीक है क्लियर तो दोस्तों पोखरण का यहां जिक्र हो रहा है पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों पोखरण हमेशा परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है ठीक है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन विजय दोस्तों अगर के जो है मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो साड़ा करके पहली बार एक एक्सरसाइज हुई है युद्धाभ्यास हुआ है भारत और सऊदी अरबिया के बीच में जो कि राजस्थान में हुआ है भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अभी डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज किया है भारत और किर्गिस्तान ने खंजर एक्सरसाइज किया है दोस्तों बकलोल में हिमाचल प्रदेश में बकलोल नहीं बकलोह माफ कीजिएगा भारत और तो इजिप्ट के बीच में जो है चक्रवात हुआ एक्सरसाइज हुआ है असांस में इजिप्ट में ही मिश्र में भारत और तो थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज अच्युतिया का भी पहला संस्करण जो है दोस्तों आयोजित किया गया है ठीक है क्लियर है दोस्तों वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाया जाता है यानी दालों का जो दिवस है अभी मैंने समृद्धि पोर्टल की बात की कि तूर के दाल के प्रोक्योरमेंट के लिए समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया था ठीक है तो दोस्तों जो दलहन का दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है तो ये हर साल 10 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है दस फरवरी को जो है ये हर साल मनाया जाता है इस बार की थीम क्या है दोस्तों पल्सेस नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपुल्स पल्सेस, नरिसिंग सॉइल्स एंड पीपुल ये इस बार की थीम है ओके क्लियर है दो हजार सोलह को दोस्तों जो है पल्सेस का इंटरनेशनल ईयर चुना गया था जैसे पिछले साल बाजरे का वर्ष चुना गया था 2023 में और 2024 को कैमलिड का ईयर चुना गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में दोस्तों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन एंड गर्ल इन साइंस ये दिन दोस्तों कब मनाया जाता है तो यह दिन मनाया जाता है 11 फरवरी और दोस्तों साइंस डे कब मनाया जाता है साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है जिस दिन 1928 में सीवी रमन साहब ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट रमन इफेक्ट की खोज की थी प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी रमन प्रभाव की जिसके लिए 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज पाने वाले वो पहले एशियन थे या साइंस के किसी भी विधा में नोबेल प्राइज पाने वाले वो पहले एशियन व्यक्ति थे उनको भारत का पहला भारत रत्न भी मिला था उन्नीस में उनके साथ दो लोगों को और मिला था दोस्तों इसके बाद हम लोग अब सेगमेंट आ गया द हिंदू न्यूज पेपर का द हिंदू न्यूज पेपर में क्या क्या महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो एग्जाम में आ सकता है तो एक आर्टिकल मुझे यह मिला है कि ईपीएफओ ने दोस्तों भारत में जो ईपीएफ की ब्याज की दर है इंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड की वो एट दशमलव आठ दशमलव एक पांच से आठ दशमलव दो पांच करने का प्लान कर रही है आठ दशमलव दो पांच परसेंट हो जाएगा तो यह सुकन्या समृद्धि के से ज्यादा हो जाएगा और सीनियर सिटीजन आठ दसमलव दो से भी ज्यादा हो जाएगा यानी सबसे ज्यादा ब्याज की दर फिर इसकी हो जाएगी और सबसे ज्यादा इसकी रहती ही है अभी पता नहीं कैसे सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटीजन वाले के क्योंकि इसके बाद दोस्तों इस बार की जो इन्फ्ले जो इन्फ्लेशन का लक्ष्य वो मेंटेन है इसलिए रेपो रेट में लगातार छठवीं बार कोई चेंजेस नहीं किए गए मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग में कुछ भी चेंज नहीं किया गया यानी रेपो रेट साढ़े छः पर है एसडीएफ डी एफ सिक्स पॉइंट टू फाइव पर है रिवर्स रेपो रेट थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट पर है सी आर आर है दोस्तों साढ़े चार परसेंट पर एस एल आर है अठारह परसेंट पर जी डी पी फोरकास्ट है सात परसेंट पर बैंक रेट है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट पर एम एस एफ रेट है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया नथिंग चेंज यहां तक कि इन्फ्लेशन का जो लक्ष्य है वो पांच दसमलव चार परसेंट वो भी नहीं चेंज किया गया हाँ अगले साल का जरूर बता दिया गया है कि इसके अगले वाले में का हमारा लक्ष्य रहेगा तो कुछ भी चेंजेस जो है नहीं किए गए उसके ऊपर ये पूरा है PDF में दे दूंगा आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी पीडीएफ आपको जो है रोजगार वित्त अंकित ऐप पर मिल जाता है दोस्तों ठीक है बैंकिंग फाउंडेशन पहले फ्री कोर्सेज में जाना होता है फिर बैंकिंग फाउंडेशन बेच में जाना होता है वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है ठीक है अब दोस्तों पीआईबी कॉलम हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं तो पीआईबी कॉलम में क्या कहा गया कि पंजाब एंड सिंध बैंक के और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी के बीच में लोन के लिए दोस्तों जो है आपस में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए किसानों और व्यापारियों को आसान ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए ये दो, दोस्तों लोन

तो एक प्राइवेट और ग्यारह सरकारी बैंक ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन डॉलर का लोन दिया है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो फ्लड आता है जो बाढ़ आती है उसको टैकल करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दोस्तों यहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए यहां पे जो है वो दिया गया कलकारी कलकारी स्कीम के लिए भी दोस्तों मैंने आप लोगों को एमसीक्यू कराया था कि किलकारी योजना जो है दोस्तों लॉन्च की गई है जो मोबाइल आधारित सेवा है जो गर्भवती महिलाओं के लिए दोस्तों शुरू की गई है ओके क्लियर है इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था दयानंद सरस्वती जी की दो सौवीं वर्षगांठ दोस्तों मनाने मनाया प्रधानमंत्री जी ने 11 फरवरी को दोस्तों आज लिखा है तो 11 फरवरी यहां पे दिन है ठीक है तो महर्षि दयानंद जी के बारे में यहां पर पूरा का पूरा आर्टिकल है संगीत नाटक अकेडमी ने दोस्तों दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में खोलने का निश्चय लिया है यानी दक्षिण भारत को साधने की कोशिश होती दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ शुरू हो रहा है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो दोस्तों दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र ये हैदराबाद में शुरू हो रहा है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त बहुत बढ़िया शानदार तो दोस्तों बैंकिंग फाउंडेशन बैच जो है तीन बजे ये क्लास होती है तो आप लोग को जुड़ना है क्योंकि तो तीन दिन से हम लोग एनपीसीआई के बारे में पढ़ रहे हैं आज एमसीक्यू जो है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम पर होगा तो एनपीसीआई की सारी सर्विसेज आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एनपीसीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं नए चेयरमैन कौन बन गए फटाफट कमेंट में आंसर भी करेगा नौ बजे सिक्स मंथ करंट अफेयर की भी क्लास होती है दोस्तों तो ये दोनों शेड्यूल भी जानिए हो साढ़े छः बजे ये क्लास रोज सुबह मॉर्निंग में जुड़िए लाइव जुड़िए ज़्यादा मजा आता है हमारे बच्चे बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उसको पढ़िए और जो कमेंट आते हैं बाद में उन्हें भी पढ़िए बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलेगी ठीक है चलिए थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद ब बाय टेक केयर लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल हैव अ नाइस डे